नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। मैं हूं आदेश पुरी। दुनिया के सबसे बड़े एग्जाम जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट शामिल हो रहे हैं वो है भारत का आरआरबी का एनटीपीसी का एग्जाम। एनटीपीसी यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, जिसके लिए आपको बता दें कि मार्च 2019 में फॉर्म फिलअप किया गया था और 15 दिसंबर से इसके विभिन्न संवर्गों के लिए परीक्षा शुरू हो गई है। इसका पहला चरण जो है वो 13 जनवरी को खत्म हो रहा है और दूसरा चरण 16 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक चलेगा। और बता दें कि इसमें 27 लाख अभ्यर्थी जो हैं शामिल होंगे और इसके लिए आरआरबी ने उनका जो एडमिट कार्ड है, वेन्यू है जहां पर एग्जाम होना है, उन सब के बारे में विस्तृत जानकारी दे दी गई है और छात्र जो हैं इसे डाउनलोड कर सकते हैं जाकर वेबसाइट पे। आपको हम बता दें कि इसके लिए वेबसाइट भी जारी किया गया है जो आरआरबी का वेबसाइट है, जहां पर से आप जाकर rrbcdg.gov.in पर आप एक्टिवेट करके देख सकते हैं। आपको बता दें कि कैंडिडेट्स को दो राउंड की परीक्षा में हिस्सा लेना है। पहला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और दूसरा स्किल टेस्ट है। आप इसके साथ ही साथ हम बता दें कि ये जो परीक्षा है ये पूरी तरह से ऑनलाइन ली जा रही है, यानी कि जो कंप्यूटर सेंटर है वहां पर जाके आपको एग्जाम देना है और 1,25,00,000 जो अभ्यर्थी हैं वो इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि लगभग 1.5 साल पहले इसका फॉर्म फिलअप किया गया था और रेलवे के द्वारा परीक्षा में देर होने के कारण जो स्टूडेंट हैं उन्होंने ट्विटर पर ट्रेंड कराया और दबाव बनाया सरकार पर। तब रेलवे मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा ट्वीट करके इसकी जानकारी दी गई कि 15 दिसंबर से ये जो भर्ती प्रक्रिया है ये शुरू हो जाएगी। और आपको हम बता दें कि इसके अलावा ग्रुप डी जो कि एक बहुत बड़ा एग्जाम है जिसमें लगभग 1,00,000 से अधिक सीट है और उसके लिए भी लगभग 1,00,000 अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया है। तो आप समझ सकते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी जो है कितना महत्वपूर्ण एग्जाम है। 2015-16 में ये एग्जाम हुआ था, दूसरा अभी हो रहा है और 3-4 साल इंतजार करने के बाद अभ्यर्थियों को रेलवे की परीक्षा में शामिल होने का मौका मिल रहा है। एनटीपीसी के जरिए ही एएसएम, टीए, सीए, गार्ड जैसे जो महत्वपूर्ण पद होते हैं रेलवे में, जो कि रेलवे को संचालित करते हैं, उसके लिए भर्ती होती है। और इसके बाद द्वितीय फेज का एग्जाम होगा और उसके बाद कुछ जैसे कोर्सेज हैं, जैसे एएसएम है, टीए है, इसके लिए साइको टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। तो बहुत बड़ी खबर है जो कि 16 जनवरी से दूसरे फेज के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए वो अपना एडमिट कार्ड सब कुछ जो है जाकर डाउनलोड कर सकते हैं आरआरबी के साइट पर। वो दे दिया गया है आयोग के द्वारा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, आप सफल हों। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि हम आपके लिए जो भी जरूरी होगा कंटेंट जो कि आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी से संबंधित हो वो गुरुओं के माध्यम से आपके पास लाते रहेंगे और वो अपना ट्रेंड जो है वो आपको बताते रहेंगे कि किस ट्रेंड पर आपको तैयारी करनी है और कैसा एग्जाम हो रहा है। क्योंकि उनके पास जो भी परीक्षार्थी हैं परीक्षा देने के बाद संपर्क करते हैं, बताते हैं कि क्वेश्चन कैसा है और हम जो हैं उनसे आपके संपर्क में बनाए रखेंगे। तो आप न्यूज़ पीआर के साथ बने रहें। हम छात्र के मुद्दे और रोजगार और किसी भी परीक्षा की सूचना है या उसमें कोई खामी है सब मुद्दे को उठाते रहते हैं। तो हमें आपका सहयोग चाहिए। हम आपको हर एक खबर देते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और हमारे नए चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।